पिछली क्लास में हमने देखा था कि चार स्टेप्स में हम प्योरीफिकेशन करते हैं, और सबसे पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री में हम कोई भी ओर हो हम कोशिश करते हैं कि उसको उस यदि वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है ओर, या सल्फाइड्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है, या फॉस्फेट्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है, या किसी भी फॉर्म में पड़ा हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि उस ओर को ऑक्साइड्स के फॉर्म में लेके आएँ, क्योंकि एक बार वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में आ गया तो उस ओर का रिडक्शन क्या होगा, बहुत आसान, हम इजिली उसको क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करा, मेटल ऑक्साइड को मैंने कोई भी ओर जो था अपने पास पड़ा हुआ उसको हमने कन्वर्ट करा उसके ऑक्साइड्स में। एक बार वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं ताकि मुझे मेटल मिल जाए, मतलब मेटल ऑक्साइड को स्टेप नंबर थ्री में क्या करते हैं, स्टेप नंबर थ्री में हम उस मेटल ऑक्साइड में सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं जिससे वो क्या हो जाए, मेटल में रिड्यूस हो जाए। तो यहां से अपने को मेटल तो मिल गया, लेकिन ये जो मेटल है ये भी 100% प्योर थोड़ी है, इसमें कहीं ना कहीं 1% 2% इम्प्योरिटीज पॉसिबल है कि इसमें पड़ा हुआ हो, क्योंकि 100% प्योरिटी रिडक्शन के बाद जो स्टेप के बाद, इस रिडक्शन वाले स्टेप के बाद जो मेटल मिलता है ये 100% प्योर नहीं होता है। तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि यदि इस मेटल में थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज 1% 2% 3% 4% थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज यदि पड़े हुए हैं तो उस इम्प्योरिटीज को उस मेटल से क्या करें, हम रिमूव कर दें। तो आखिरी कोशिश कर रहे हैं हम उस मेटल को प्यूरीफाई करने की, उस फाइनली उसको जितना अधिक से अधिक हो सके उसको प्योर बनाने की। तो लास्ट स्टेप नंबर फोर जो होता है, दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ ओर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, या फिर बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, दिस इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, दिस इज लास्ट स्टेप। मेटल अपने को ऑलरेडी मिल चुका है रिड्यूस्ड फॉर्म में, बट हम इस स्टेप में क्या करते हैं, इस स्टेप नंबर स्टेप नंबर फाइव में हम क्या करते हैं, आखिरी कोशिश करते हैं कि यदि 1-2% इम्प्योरिटीज इस मेटल में, इस रिड्यूस्ड मेटल जो रिडक्शन के बाद जो मेटल मिला है उसमें यदि अभी भी 1-2% इम्प्योरिटीज पड़ा हुआ है तो इस स्टेप में क्या करें, हम इस रिफाइनिंग वाले प्रोसेस में या प्यूरिफिकेशन वाले प्रोसेस में उस मेटल के थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज को भी क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो अब क्या है कि ये प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है ना वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग, ऑब्वियसली अलग अलग मेटल को प्यूरीफाई करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो हम सारे मेथड्स अब शुरू करते हैं प्यूरीफिकेशन के, हर एक मेथड्स की अलग अलग खासियत है, अलग अलग मेटल पे आप उसको क्या करोगे, यूज करोगे। हो सकता है ये प्यूरीफिकेशन का मेथड उस मेटल के लिए सूटेबल है बट इस मेटल के लिए सूटेबल नहीं है, कोई और प्यूरीफिकेशन मेथड इसके लिए सूटेबल है उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो इस प्यूरीफिकेशन वाले स्टेप में आपको जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम के हिसाब से अपन देखें तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होती है उसमें। सबसे पहली बात क्या, यदि ये मेथड है, यदि वैन अर्कल मेथड है या मोंड्स प्रोसेस है तो वो किसके लिए सूटेबल है। मोस्टली जो प्यूरिफिकेशन पे यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं ना तो 90% क्वेश्चन यही होगा कि बताओ ये प्रोसेस किसके लिए सूटेबल है, ये प्रोसेस किसके लिए सूटेबल है। बाकी 20% में क्या होता है कि उसके अंदर की चीज़ें पूछते हैं, बताओ ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तो टोटल 6-7 मेथड्स हैं प्यूरिफिकेशन के। तो मेनली जब आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ या दिमाग में शॉर्ट इस तरीके से चाहो कि यार थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रख लें ताकि एग्जाम में काम आ जाए, तो आप सबसे पहले आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि उस मेथड का नाम और वो किसके लिए सूटेबल है, किस मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए सूटेबल है, ये वाला बात तो आप जरूर ध्यान रखें। बाकी चीज़ें भूल भी जाओगे तो वो थोड़े बहुत जैसे आप मेथड को थोड़ा सा दिमाग में लाओगे तो वो अपने आप याद आ जाएगा, बट कौन सा प्रोसेस किस मेटल के लिए एप्लीकेबल है ये सबसे प्राइमरी चीज़ है जो आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। तो हम सारे स्टेप्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड लिक्वेशन, बोलते हैं कि दिस मेथड इज सूटेबल, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द मेटल्स
हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट. क्या बोल रहा है? उस मेटल्स के लिए सुटेबल होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है. क्या करते हैं जरा देखें इसमें. जैसे जो मेरे पास जो प्योर मेटल है ना, वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला है, जबकि इस मेटल के अंदर जो इंप्यूरिटीज पड़ा हुआ है ये, तो इसके कॉम्पेरिजन में हाई मेल्टिंग वाला. आप सोचो, मान लो कि आपके पास रेत और मोम का मिक्सर होगा, रेत और मोम का, ठीक है. उन दोनों को सेपरेट करना है. किससे सेपरेट करोगे? आपको पता है रेत जो है वहां पे एज ए इंप्योरिटी यदि उस मोम के अंदर पड़ा हुआ है तो रेत का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जबकि मोम का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. तो रेत और मोम के मिक्सर को गर्म करना शुरू करो, यहां से गर्म करना शुरू करो. मोम और रेत है ना, और रेत को गर्म करना शुरू करो, तो मोम जो है वो पहले पिघल जाएगा ना, और पहले पिघल जाके पिघल के यहाँ पे थोड़े से ना फिल्टर टाइप का कुछ कुछ स्पेस, कुछ पोर्स पड़े हुए होंगे, जिससे लिक्विड मोम जो है वो पिघल के और इस कंटेनर में आ जाएगा, जबकि रेत चूंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ऊपर ही पड़े रहेंगे. सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि मेटल जो है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जबकि इंप्योरिटीज जो उसमें उस मेटल में पड़े हुए हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. तो अब क्या करोगे, उन दोनों के मिक्सचर को गर्म करना शुरू करोगे. इम्प्योरिटीज जो है जब गर्म करेंगे तो इम्प्योरिटीज तो लेट से पिघलेगा. इम्प्योरिटीज पिघले उससे पहले ही मेटल पिघलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और इस कंटेनर से इस जो छोटे छोटे पोर्स बने हुए उससे क्या आ जाएगा, मेटल नीचे आ जाएगा, जबकि इम्प्योरिटीज जो है वो ऊपर ही पड़ा रहेगा. तो मेटल प्योरीफाई हो गया कि नहीं, उससे इम्प्योरिटीज अलग हो गया कि नहीं. तो पहली बात कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो बोलेंगे दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या, डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट. लिख चुके हैं इससे पहले वाले स्लाइड में कि दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन इंप्योरिटीज एंड मेटल हैव लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट. तो किसके लिए सुटेबल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट. सुटेबल फॉर जिंक, SN एंड PB, इनके लिए सुटेबल होता है. तो ये तीन कंपाउंड्स तो आप जरूर ध्यान रखो, ये वही कंपाउंड्स हैं जिंक, SN और PB, जिन ये वो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और इनमें जो इंप्योरिटीज पाई जाती है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. तो इस तरह के मेटल्स को, जिंक, SN और PB को हम क्या करते हैं, इस लिक्वेशन मेथड से इसके इंप्योरिटीज को हटाते हैं और इस मेटल को प्यूरीफाई करते हैं. एग्जैक्टली ऐसा ही दूसरा प्रोसेस है. डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं, यूज व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज. ये प्रोसेस तब सुटेबल होता है जब मेटल और इम्प्योरिटीज के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस हो. मतलब क्या होता है कि इस मेथड को तब यूज करते हैं जो मेटल होता है ना, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि जो इम्प्योरिटीज है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है. अब क्या करेंगे कि एक कंटेनर लेंगे, ऐसा कंटेनर लिया, इसमें मेरे पास पाउडर फॉर्म में पड़ा हुआ है क्या, मेटल प्लस इम्प्योरिटीज, और मैंने क्या करा, इसको गर्म करना यहाँ से शुरू करा, गर्म करना शुरू करा. तो क्या होगा, चूंकि बॉइलिंग पॉइंट मेटल का कम है तो मेटल के वेपर्स पहले बन जाएंगे ना, मेटल के वेपर्स पहले बन जाएंगे किसके कंपैरिजन में, इस इंप्योरिटीज के कंपैरिजन में. तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से मेटल वेपोराइज हो जाएगा इंप्योरिटीज से पहले, और मेटल के वेपर को क्या करेंगे, किसी दूसरे कंटेनर में ऐसे कंडेंस करवा लेंगे, दूसरे कंटेनर में ले आएंगे, इसको ठंडा करेंगे इस कंटेनर को, तो मेटल वापस किस में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा.
दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। आपने सुना होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिससे हम क्या करते हैं प्योर वाटर ऑपरेन करते हैं। या फिर आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, जब हम दो लिक्विड को सेपरेट करना होता है तब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो क्या करा कि मेटल और इम्प्यूरिटीज का मिक्सचर था, पता था कि यार मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कम है किसके कंपैरिजन में, इम्प्यूरिटीज के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली जब आप गर्म करना शुरू करोगे तो मेटल पहले वेपराइज हो जाएगा ना, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है किसके कंपैरिजन में, उस इम्प्यूरिटीज के कंपैरिजन में। तो मेटल के जो वेपर्स है ना उसको हम क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में संग्रहित कर लेंगे, जमा कर लेंगे। और फिर इस मेटल को जैसे लो टेम्परेचर पे लाएंगे, दूसरे वाला कंटेनर तो लो टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर पे जैसे गैस आएगा अपने आप ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा और इम्प्यूरिटीज जो है वो यहीं पे पड़ा रहेगा, इम्प्यूरिटीज यहीं पड़ा रहेगा, और जो प्योर मेटल है वो वेपराइज होकर दूसरे कंटेनर में आके कंडेंस होकर वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये तो ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब मेटल और इम्प्यूरिटीज के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस, और जनरली मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसके कंपैरिजन में, इम्प्यूरिटीज के कंपैरिजन में, तब ये प्रोसेस क्या होता है, ज्यादा सूटेबल होता है। देखना आप एग्जाम्पल की यदि बात करें, मतलब किसके लिए सूटेबल होता है, ये सबसे जरूरी बात कि ये प्रोसेस सूटेबल किसके लिए है ना। तो बोलेंगे सूटेबल फॉर किसके लिए, जिंक, कैडमियम एंड HG। आपको पता होगा जिंक, कैडमियम और HG जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम और HG है ना, सबके कॉन्फ़िगरेशन में आता है। जैसे जिंक का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4S2 3D10, इसके लास्ट में आएगा 5S2 4D10, इसमें आएगा 6S2 5D10। तो आपको पता है यदि आपने थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, और इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो। तो जो मेटालिक बॉन्ड होता है, सारे मेटल्स हैं, और मेटल्स डी ब्लॉक के मेटल्स के जो के बीच जो पाया जाने वाला बॉन्ड है ना, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। और जो मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग मेटल्स के बीच उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग होगा ऑब्वियसली उसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्शनली मेटल्स तो हैं, डीप ब्लॉक के मेटल्स तो हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम और HG के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जीरो हैं। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इन तीनों में, आपको पता है तीनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, कैसे याद करते हैं, जिंदगी है ना, 1B के एलिमेंट होते हैं, ऐसे याद करते हैं इसको, ऐसे बोलते हैं ना जिंदगी झंड हो गई, ये बोलेंगे जिंदगी कैंडल हो गई, मतलब जिंदगी में रोशनी आ गई है ना, ऐसा इस तरह से इस ग्रुप को याद रखते हैं लोग, जिंदगी कैंडल हो गई या जिंदगी में रोशनी आ गई ऐसा। तो एग्जांपल्स जब अपने को पता चलेगा कि डिस्टिलेशन किस किस मेटल्स के लिए सूटेबल होगा, तो ये आपको याद आए तुरंत कि जिंक, कैडमियम और HG का बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होता है क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से इनके मेटल्स के बीच पाए जाने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से यदि फोर्स दो के बीच अच्छा नहीं होगा तो उनको सेपरेट करना आसान है ना, उनको दूर दूर करना आसान है ना, उनको वेपराइज करना आसान है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, और चूंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इस वजह से इनके एटम्स के बीच, इन मेटल्स के बीच, जिंक और जिंक के बीच पाया जाने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इनके बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से ये इजिली बॉयल हो जाते हैं, इनका बॉयलिंग टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है।
तो कोई पूछ लेकर डिस्टिलेशन प्रोसेस किसके लिए सुटेबल है, तो आप तुरंत बोलोगे कि उन मेटल्स के लिए सुटेबल है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कम किन का होता है, जिंदगी कैंडल हो गई, मतलब जिंक, कैडमियम और HG का। इससे पहले जो प्रोसेस अपने लिक्विडेशन पढ़ा था वो उनके लिए सुटेबल था जिनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और मेल्टिंग पॉइंट कम किनका होता है, SNPB और जिंक का। यहां तक क्लियर हो चुका होगा तो मैं आगे बढ़ू। थर्ड प्यूरिफिकेशन का जो मेथड है दैट इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग कॉस्टली प्रोसेस है लेकिन इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही यूज करा जाता है, हमेशा नहीं करते हैं इसका यूज। बोल रहा है कि यूज व्हेन अल्ट्रा प्योरिटी इज रिक्वायर्ड। अल्ट्रा प्योरिटी मतलब 99.99% तक, अल्ट्रा प्योरिटी इज रिक्वायर्ड। जनरली यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ semi metals like gallium, germanium, silicon, etc. यूरेनियम के लिए भी यूज करते हैं, थोरियम के लिए भी कर लेते हैं, तो ये अपने काम का नहीं है। मेनली आप ये तीन ध्यान रखोगे ना तो ही काम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात कि ये मेथड किसके लिए यूजफुल है, तो बोलोगे सेमी मेटल्स के लिए। आपको पता है ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स बोलते हैं या सेमी मेटल्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि सेमी मेटल्स, आज देखो आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन आया है, आपको पता होगा पहले कंप्यूटर का साइज कमरे के बराबर हुआ करता था, फ़ोन के साइज बड़े बड़े होते थे, है ना। पहले अपन कैसेट्स वगैरह जो रखते थे मूवीज देखने के लिए वो बड़े बड़े आते थे, आजकल छोटा सा एक पेन ड्राइव आता है और उसमें पता नहीं कितना सारा GB आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन आया ना, उसमें इन सेमी मेटल्स का बहुत बड़ा रोल है। सेमी मेटल्स जैसे मान लो सिलिकन, ये रहा सिलिकन, तो वो पता है सिलिकन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सिलिकन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अब बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिलिकन हर एक से क्या करेगा, कार्बन फैमिली से आ रहा है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा ऐसा, देखो ऐसा। हर सिलिकन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, देखो हर सिलिकन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस सिलिकन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, इस सिलिकन को यदि मैं रिप्लेस कर देता हूं फास्फोरस से, सपोज, तो फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज होगा, और इसके पास अभी भी क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जिसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, इसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है। एक फास्फोरस के डोपिंग से कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो 10^4 टाइम्स बढ़ती है। तो इस सेमी मेटल्स पहले क्या करना पड़ता था कि यदि आपको कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो वायर्स के नंबर्स बढ़ाने पड़ते थे, अब वो बात नहीं है। इनके आने से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली यदि कम ही वायर में यदि कंडक्शन होने लग जाएगा तो फिर जो गैजेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनका साइज ऑब्वियसली सिकुड़ता जाएगा ना। तो यहां पे ऑलरेडी डोप्ड वे में ये जो सेमी मेटल्स है ना, इनका यूज हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्केल पे करते हैं, और जितने भी सेमी मेटल्स है ना, सब डोपिंग के कारण ही उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो दे आर ऑलरेडी डोप्ड। यदि सिलिकन का जो मटेरियल है उसमें फास्फोरस का डोपिंग हो चुका होगा तो ऑब्वियसली इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा सा तो डिसमिस होगा ना, इसको यदि आप किसी चीज का डोपिंग करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी खराब होगी ना। अब सिलिकन पहले से ही इम्प्योर फॉर्म में यदि आप लेके आओगे और उसमें डोपिंग करोगे तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा चीजें। आप क्या कर रहे हो, एक तरह से इम्प्योरिटी तो ऐड कर रहे हो इस सिलिकन में फास्फोरस की।
तो फॉस्फोरस के इम्प्योरिटीज ऐड करने से इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे बहुत एडवर्स इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, इसीलिए तो बहुत कम डोपिंग करते हैं ताकि डोप भी हो जाए और क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो जब जो सिलिकॉन लेके आ रहे हो वो ऑलरेडी यदि इम्प्योर फॉर्म में होगा, 100% प्योर नहीं होगा, और फिर उसके ऊपर आप फॉस्फोरस की डोपिंग करोगे तो ये आपके प्रॉब्लम को और बढ़ाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो सेमी मेटल्स होते हैं ना उनकी हाई प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ड्यू टू देयर यूज ना, कि हम किस काम में उसका यूज ले रहे हैं उससे डिसाइड होगा ना कि कितना प्योरिटी रिक्वायर्ड होगा। आयरन की प्योरिटी हर समय बहुत ज़्यादा थोड़ी चाहिए, डिपेंड करता है आप उस आयरन का किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हो। कोई ऐसा चीज़ होगा जिसके बनाने में बहुत ज़्यादा प्योर मेटल की जरूरत होती है, कोई ऐसा चीज़ होगा जहाँ पे उतनी प्योरिटी नहीं भी रहेगी तो काम चल जाएगा। तो सेमी मेटल्स जो होते हैं ना उनमें हम ऑलरेडी डोपिंग कर करके और दूसरे दूसरे चीज़ें बनाते हैं, डायोड्स वगैरह बनाते हैं, पी एन जंक्शन वगैरह बनाते हैं। अरे ये ऑलरेडी इम्प्योर फॉर्म में रहेगा या 100% प्योर नहीं रहेगा तो डिजायर्ड रिजल्ट जो हम सेमी में जब इसका डोपिंग वोपिंग करेंगे तो उतनी अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी जितना मुझे रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सेमी मेटल्स जो होते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि जोन रिफाइनिंग तब यूज करा जाता है जब अपने को अल्ट्रा प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। और ज़्यादा प्योरिटी कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जहाँ पे हम क्या करते हैं सेमी मेटल्स के डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो सेमी मेटल्स जो हम ले के वहाँ पे जाएंगे ना वो हमने को बहुत प्योर फॉर्म में चाहिए, बहुत ज़्यादा प्योरिटी उसकी रिक्वायर्ड होती है। तो कैसे याद रखेंगे जोन रिफाइनिंग जो है वो किस मेटल्स के लिए सुटेबल होता है, तो बोले कि जोन रिफाइनिंग तभी यूज करते हैं जब प्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है, अल्ट्रा प्योरिटी चाहिए होती है। और अल्ट्रा प्योरिटी कहाँ पे चाहिए होती है, तो बोलोगे सेमी मेटल्स में चाहिए होती है। सेमी मेटल्स कौन से हैं, गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जोन रिफाइनिंग किसके लिए सुटेबल है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब देखते हैं, एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना तो अब हम देख रहे हैं कि यार इसका ऐसा क्या करते हैं जोन रिफाइनिंग में। तो बोलोगे देख मान लो कि ये सिलिकॉन या गैलियम या जर्मेनियम का ऐसा मेटल पड़ा हुआ है, ऐसा मेटल पड़ा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, ये इम्प्योर मेटल ऑब्वियसली इम्प्योर है, इसी को हम प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने क्या करा, यहाँ पे हीटर लगा दिया, दिस इज हीटर। अब ये हीटर जो है ना वो 3D में ऐसा है, बताऊँ ये मूवेबल हीटर है, ये हीटर मूव कर सकता है। कैसे देखें, जैसे ये मान लो ये जर्मेनियम का रोड है ना, तो हीटर जो है ना वो ऐसा है और ये फिक्स है, ये स्टैंड के थ्रू ये जो मेटल है जिसको अपने को प्योरीफाई करना है वो फिक्स पहले से कर रखा है दोनों तरफ से क्लिप लगा के ऐसा। और ये हीटर को क्या कर रहे हैं, ये मूव करवा रहे हैं ऐसा ऐसा धीरे धीरे, एक बार दो बार तीन बार ऐसा। जब इसमें तो नहीं दिखा सकते ना वो चीज़, तो मैंने ये सही दिखा दिया, ये हीटर जो है वो मूवेबल नेचर का है और ये ऐसा मूव कर सकता है इधर की तरफ। अब जरा समझना बात को कि जब हीटर इस पोजीशन पे होगा तो जिस पोजीशन पे ये होगा उस वाले मेटल को क्या कर देगा, ऐसा मेल्ट करने लग जाएगा। तो ये वाला जिस पार्ट में हीटर पड़ा हुआ है ना वो वाला मेटल का वो पार्ट जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा। जैसे ये पार्ट मेल्ट हुआ हम हीटर को बढ़ा के यहां पे ले आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इस हीटर को ऐसा। जब इसको आगे बढ़ा दिया तो ये पार्ट जो है ना ये पार्ट वापस, अब ये वाला पार्ट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेल्ट होना जाएगा शुरू हो जाएगा। अब बात को समझना, यहां से समझने वाली बात है कि ये पार्ट जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या होने लग जाएगा, सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। दो प्रोसेस हो रहा है, जब हीटर यहाँ पे था इस जगह पे था तो ये वाला पार्ट मेल्ट हो रहा था और ये वाला पार्ट नॉर्मल था। जैसे हीटर इस वाले पोजीशन पे आया तो अब ये वाला पार्ट मेल्ट होने लगेगा और बगल वाला पार्ट क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। बस एक पार्ट मेल्ट हो रहा है, एक पार्ट धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज है, इसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ पे रहना पसंद करेगी, यहाँ पे या यहाँ पे। आपने देखा होगा जब हम दूध को गर्म करते हैं है ना, होले होले से गर्म करो दूध को, बिल्कुल गांव में हम है ना मिट्टी का एक पोट लेते हैं उसके अंदर कोयला जला के धीमे ताव पे छोड़ देते हैं दूध को, तो उसका जो वो पड़ता है ना ऊपर फैट का लेयर वो बहुत मोटा पड़ता है एज कम्पेयर टू कि आप गैस पर नॉर्मली गर्म करो 2-3 मिनट में 5 मिनट में। लेकिन ठीक है, एक बार मैंने दूध को गर्म करा और गर्म करने के बाद जब वो बिल्कुल बॉयल होने लग गया तो उसको मैंने बंद करके छोड़ दिया। मैं आता हूँ 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद, तो आप देखते हो ना कि उसके ऊपर एक फेट का लेयर बन जाता है। वो फेट कहाँ से आया, बाहर से तो नहीं आया होगा ना, उसी दूध में से पहले घुला हुआ था और बाद में क्या हो गया वो अपने सरफेस पे आके खत्म, ठंडा करने के बाद ऊपर ही रह गया, फिर उसमें वापस गया ही नहीं।
सेम चीज यहां पे हो रहा है। ये जो यहां पे जो इंप्योरिटीज पड़ा हुआ है ना इस जगह पे, उसके पास दो चॉइस है कि यहीं पे जकड़ के रह जाए, या यहां पे जो मेल्टेड फॉर्म है वहां पे इसको आजादी ज्यादा कहां मिलेगी, इस मोल्टन फॉर्म में या इस क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ऑब्वियसली ये यहां से इधर मूव करना चाहेगा, ये जो इंप्योरिटीज है ना वो इस पार्ट से इस पार्ट में, क्योंकि हर चीज तो आजाद रहना चाहता है ना, यहां पे इसकी जो एंट्रोपी होगी वो ज्यादा होगी इस मोल्टन पार्ट में। तो जब ये मेल्टेड फॉर्म था ना, तो यहां के इंप्योरिटीज जो थे वो थोड़े से मूव करने लग गए, फ्री हो गए। जैसे हीटर यहां से आया तो इधर के मूव करने लगे, यहां का पार्टिकल थोड़ा ढीले पड़ने लग गए और यहां पे टाइट होने लग गए, तो इंप्योरिटीज को थोड़ा सा मौका मिल गया मूव करने का और ये इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। वापस इस हीटर को यहां पे बढ़ाएंगे तो इंप्योरिटीज और यहां पे आ जाएगा। ऐसा करते करते इस हीटर को जब यहां तक लेके जाते हैं तो इंप्योरिटीज यहां पे आ जाता है, दिस इज इंप्योरिटी। अब ये प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करते हैं। ये जो हीटर है ना, इस हीटर को इधर से लेके आते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसा करके जब इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करते हैं तो सारी की सारी जो इंप्योरिटीज होती है ना वो इस साइड आ जाती है। इंप्योरिटीज यदि इस साइड हो गई तो उसको कट करके क्या कर दो, निकाल लो, कट करके वाला पार्ट, इंप्योरिटीज वाला जो पार्ट है वो रिमूव कर लो, तो प्योर मेटल आपको इधर मिल जाएगा। तो किस बात पे ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो बोलोगे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंप्योरिटीज हैव मोर सॉलिबिलिटी in molten form of metal as compared to solid form। ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल का जो सॉलिड या क्रिस्टल फॉर्म है ना, उसमें रहने के बजाय, उसमें घुलने के बजाय, जो मोल्टन फॉर्म है मेटल का, उसमें इंप्योरिटीज के घुलने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इस वजह से जो इंप्योरिटीज है वो सॉलिड के बजाय लिक्विड में ट्रांसफर होता जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंप्योरिटीज हैव मोर सॉलिबिलिटी इन मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म ऑफ मेटल। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, this process is, मतलब ये जो हीटर का जो मूवमेंट है ये कई बार रिपीट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स टू ऑब्टेन प्योर मेटल। तो ये था जोन रिफाइनिंग। एक बार वापस से कंक्लूड करता हूँ जल्दी से कि जोन रिफाइनिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें अल्ट्रा प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है, और अल्ट्रा प्योरिटी हमें जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती है। सेमी मेटल्स की प्योरिटी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और मतलब ये हुआ कि हम सेमी मेटल्स के लिए क्या करते हैं, सेमी मेटल्स के प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं, जोन रिफाइनिंग को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गैलियम, जर्मेनियम और सिलिकन के लिए क्या करना होता है, मेटल रोड लेते हैं और हीटर को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरे तरफ की तरफ स्लाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि इंप्योरिटीज जो है वो एक तरफ से दूसरे तरफ मूव करना शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया जेई मेन के पेपर में कि जब हम मेटल को हीटर को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो प्योर मेटल किधर मूव करेगा, चालाकी से जिसके तरफ हीटर लेके जाएंगे, जिस डायरेक्शन में हीटर लेके जाएंगे, इंप्योरिटीज क्या होगा उसी की तरफ मूव करेगा। तो प्योर मेटल किसके तरफ मूव करेगा, इसके ऑपोजिट में। तो यदि हम हीटर को लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हैं ना, तो इंप्योरिटीज भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेकिन प्योर मेटल राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसका ऑपोजिट। जाएगा तो नहीं, रहेगा तो वहीं पे, बट बोलने के लिए बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करा जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखो। तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने बता दिया, एक तरफ सारी की सारी इंप्योरिटीज आ जाएगी, इसको काट के निकाल दोगे, प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, फोर्थ नंबर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स टू ऑब्टेन प्योर मेटल। फोर्थ प्रोसेस है पॉलिंग प्रोसेस।
पॉलिंग प्रोसेस। पॉलिंग प्रोसेस किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एसन एंड कॉपर और एसन के प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं? पॉलिंग मेथड का यूज करते हैं। एसन एक जगह पे और आ चुका है, कहां पे? लिक्वेशन, एसन पे भी। तो लिक्वेशन और पॉलिंग प्रोसेस या पॉलिंग मेथड दोनों सूटेबल है किसके प्यूरिफिकेशन के लिए? एसन के प्यूरिफिकेशन। क्या करते हैं इसमें, कब यूज करते हैं? जैसे क्या हुआ कि मान लो आप एसन ओ टू ले आपने, ठीक। तो एसन ओ टू में जब आप रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? इस एसन में रिड्यूस हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इनएफिशिएंसी तो आती है ना हर चीज में। आप पेट्रोल ही जलाओ या कोयला ही जलाओ तो जरूरी थोड़ी कि 100% कोयला जो है वो जली जाएगा। लकड़ी जलाओ तो जरूरी थोड़ी कि लकड़ी 100% जली जाएगा। होता है ना, कुछ लकड़ी कच्चा बच जाता है लास्ट में, जब सब कुछ जलना वलना जब खत्म हो जाता है तो कुछ पार्ट अनबर्न फॉर्म में तो पड़ा ही रहता है ना। सेम यहाँ पे क्या होगा कि जब हम SnO2 का रिडक्शन करवा रहे हैं सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करके, SnO2 को जब हम SN में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका रिडक्शन 100% नहीं हो पाया हो, किसी कारणवश 1-2% रिडक्शन बच गया। मतलब ये जब 100 था तो उसमें से 90 तो क्या हो गया, रिड्यूस होके किसमें आ गया? -90 से तो ये +90 बन गया। तो एसन 90% तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक जो है, 1% जो है वो अभी भी क्या है, इसी फॉर्म में पड़ा हुआ है, SnO2 के फॉर्म में, क्योंकि इसका कंप्लीट कम्बशन या कंप्लीट रिडक्शन किसी कारणवश यदि नहीं हो पाया है तो इस SN में थोड़े से अमाउंट में क्या होगा, ये SnO2 की इंप्योरिटीज रह जाएगी। क्यों? क्योंकि रिडक्शन जो है वो 100% नहीं हो पाया, 100% सक्सेसफुल नहीं रहा। ढेर सारे रीजंस होते हैं, नहीं हो पाता है, कई बार फर्नेस में कुछ अनबर्न चीजें बच जाती है। तो जो बच गया है ना SnO2, ये हमारे लिए अभी क्या है, एज ए इंप्योरिटी है। जबकि ये SN क्या है, मेटल है। इसमें से, इस मेटल में से क्या करना है, इस SnO2 को मुझे रिमूव करना है, इस इंप्योरिटी को रिमूव करना है, ताकि प्योर फॉर्म में 100% प्योर अपने को क्या मिल जाए, SN मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, मेटल इज मेल्टेड, मेटल इज मेल्टेड, या फिर यू बोलो मोल्टन मेटल इज प्लेस्ड इन अ बीकर। किसी बीकर में सपोज मोल्टन फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है, SN पड़ा हुआ है और SnO2 पड़ा हुआ है, किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म, ठीक है, मोल्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें एक वुड पोल, दिस इज फ्रेशली कट वुड पोल, एक बिल्कुल ताजा कटा हुआ लकड़ी, एक स्टिक लेते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, एक डंडा लेते हैं, बिल्कुल ताजा, अभी अभी जो कट के आया है ना उसको, और उसको क्या करते हैं, इसमें डिप कर देते हैं। किसमें? जिसमें मोल्टन फॉर्म में SN और SnO2 पड़ा हुआ है। क्या करते हैं, अ फ्रेशली कट वुड पोल इज डिप्ड इन मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल। अब क्या होगा कि जैसे ही, अब ऑब्वियसली यदि ये मोल्टन फॉर्म में है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना, जैसे ही कच्चे बांस का टुकड़ा इसमें डालते हैं तो हाइड्रोकार्बन, ऑब्वियसली लकड़ी है तो किससे बना होता है, हाइड्रोकार्बन से ही बना होता है,
hydrocarbon of wood releases CH4 gas. जो लकड़ी का हाइड्रोकार्बन है ना, वो क्या करता है, CH4 गैस रिलीज करता है. हाइड्रोकार्बन ऑफ वुड रिलीजेज CH4 गैस. दिस CH4 गैस वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो क्या हुआ कि इसमें जो SnO2 पड़ा हुआ था ना, जैसे ही मैंने गरम गरम हुआ ना मोल्टेन मेटल में, क्या करा, उस बांस के टुकड़े को, फ्रेशली कट बांस के या लकड़ी के टुकड़े को जैसे डाला ना, तो उस लकड़ी ने क्या करा, CH4 यहाँ से रिलीज करा. ये CH4 ही किसके जैसे काम करेगा, एज ए रिड्यूस. ये तो इम्प्योरिटी के फॉर्म में वहाँ पे पड़ा हुआ था उस एसन में. तो जैसे CH4 ये रिलीज करेगा ना, तो CH4 से ये रिएक्ट करके और क्या कर लेगा, इस मेटल को रिड्यूस कर देगा, SnO2 को SN में रिड्यूस कर देगा और CO2 बना के वहाँ से भाग जाएगा और H2O भी वहाँ से बना के भाग जाएगा, वेपर बन के हो जाएगा. तो SnO2 जो इम्प्योरिटी था वो SN में कन्वर्ट हो गया और बाकी चीज़ें खत्म हो गई. सिमिलरली यदि कॉपर होता, कॉपर के लिए भी इसका यूज करते हैं, जैसे CU2O होता, उसको क्या करते, कॉपर होता, ये कॉपर है और उसमें CU2O जो है वो एज ए इम्प्योरिटी पड़ा हुआ है. दिस इज प्योर मेटल और अनऑक्सी है ना, इसका किसी कारणवश यदि इसका रिडक्शन नहीं हो पाया CU2O का, कुछ 1% 2% बच गया है, तो इसको हम एज ए इम्प्योरिटी ही तो ट्रीट करेंगे. और इसी को हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इसको वहां से हटा दे. तो क्या करते हैं कि इस CU2O के मोल्टेन फॉर्म में है ना, इस मिक्सचर को पहले मेल्ट करते हैं, एक बीकर में प्लेस करते हैं और ऊपर से एक कच्चा बांस का टुकड़ा, एक डंडा क्या करते हैं उसमें डालते हैं. जो क्या करता है वो बांस का टुकड़ा, वहां से CH4 गैस रिलीज करता है जो किसके जैसा काम करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा. ये मेरा क्या है, वहां पे पड़ा हुआ इम्प्योरिटी है. ये वापस इस CO2O को CU में रिड्यूस कर देगा, CO2 गैस बनकर यहां से निकाल देगा और H2O भी बनकर यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. बस हो गया, मुझे प्योर फॉर्म में कॉपर मिल गया. तो ये तो था ही प्योर फॉर्म में, इससे मुझे दिक्कत थी, इसको भी मैंने क्या करा, कॉपर में कन्वर्ट कर दिया, हो गई बात. दिस इज कॉल्ड पोलिंग मेथड या पोलिंग प्रोसेस, मेनली यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर और SnO2. नेक्स्ट प्रोसेस जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग. ये कौन सा नंबर हो गया, शायद 5th नंबर हो जाएगा. वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग. और वेपर फेज रिफाइनिंग में सबसे पहले हम देख रहे हैं वेन अर्कल प्रोसेस, वेन अर्कल प्रोसेस किसके लिए यूज करा जाता है, यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम एंड जिरकोनियम. वो पता है टाइटेनियम और जिरकोनियम सेम ग्रुप के एलिमेंट है, टी जरा हाफ करो ये तीनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है. क्यों बता रहा हूं, ताकि कोई याद करने में आसानी. तो सेम ग्रुप के एलिमेंट है जिन पे हम क्या करते हैं, वेन अर्कल प्रोसेस यूज करते हैं फॉर देयर प्यूरिफिकेशन. क्या करते हैं इस प्रोसेस में देखना जरा, सपोज यहां पे टाइटेनियम पड़ा हुआ है, किसके साथ, अपने इंप्योरिटी के साथ. किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, पाउडर फॉर्म में पड़ा हुआ है, एक कंटेनर में. पाउडर फॉर्म में क्यों रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, होगा किसी भी फॉर्म में, उससे फर्क नहीं पड़ता. ऐसा पड़ा हुआ है, एक साथ पड़े हुए इस कंटेनर में टाइटेनियम है और इसके अंदर कुछ क्या पड़ा हुआ है, इंप्योरिटी है. मैं क्या करता हूं, इसमें आयोडीन ऐड करता हूं. किसमें, इस मिक्सचर में, टाइटेनियम और इंप्योरिटीज के मिक्सचर में I2 आयोडीन ऐड करता हूं. और आयोडीन ऐड करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको गर्म करता हूं 50 डिग्री सेल्सियस. बात को समझना,
50 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये जो आयोडीन है ना, इस टाइटेनियम से रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करता है और वेपोराइज भी हो जाता है। बात को समझना, यहाँ पे टाइटेनियम अलग था और इम्प्योरिटीज अलग था। जैसे मैं आयोडीन डाल के 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता हूँ, तो ये दिस आयोडीन रिएक्ट्स विद दिस टाइटेनियम एंड फॉर्म TiI4। TiI4 नाम का कंपाउंड बनाता है जो नेचर में कैसा होता है, वोलाटाइल होता है, मतलब इजिली वेपोराइज हो जाता है। तो ये जो वेपर है TiI4 का, वो यहां से निकला, पाइप के थ्रू मैंने क्या करा, उस वेपर को किसी दूसरे कंटेनर में कंडेंस करवा लिया। अब यहां पे सिर्फ क्या बच गया है, TiI4 बच गया। सारे वेपर्स यहां पे आए, इसको ठंडा करा, 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके आया, सब के सब TiI4 यहां पे पड़ गए। अब इसको मैंने क्या करा, डिस्कनेक्ट। यहां पे सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, TiI4 के का कंपाउंड। ये वोलाटाइल नेचर का होता है, मतलब थोड़ा सा ही गर्म करने से ऑलमोस्ट 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद रखना है 50 डिग्री सेल्सियस और 230 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। जैसे 230 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं ना, तो टाइटेनियम तो यहीं पे रहता है और आयोडीन जो है, मतलब ये दोनों अलग हो जाते हैं गर्म करने के बाद। अरे गर्म करने के बाद तो अलग होंगे ना, आयोडीन तो बन के वहाँ से निकल जाता है, वेपराइज हो जाता है। आपको पता है आयोडीन की खासियत कि आयोडीन को जब गर्म करते हैं ना, तो वो लिक्विड में नहीं आता, सीधा वेपराइज हो जाता है। तो आयोडीन वहाँ से बन के निकल जाता है और इसमें टाइटेनियम यहीं पे पड़ा रहता है, किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। तो जो भी इम्प्योरिटीज थी ना, वो तो यहीं पे रह गई ना। अरे ऐसा समझो कि कचरा था यहाँ पे, है ना। सपोज क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझे इसको, कि ये कचरा का ढेर है, ठीक है, कचरा का ढेर है, ढेर सारे है ना, जहाँ पे सारा कचरा अपन रखते हैं ना, डंप करते हैं ना, वहाँ पे कचरा है। एक बिल्ली आई और उस कचरा में से, उसको भूख लगी हुई है, तो उस कचरा में से कोई मांस का टुकड़ा खोज रही है, मिल भी गया उसको। वो जो बिल्ली है, उस मांस के टुकड़े को ली मुंह में दबाए हुए और वहाँ से बाहर निकली, तो क्या हुआ, ये मांस का टुकड़ा मेरे लिए प्योर मेटल है और ये कचरा जो है वो इम्प्योरिटीज है। बिल्ली आई और इसको मुंह में दबा के भागने लगी कि मजा आ गया, चलो 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 भागो भागो भागो, इससे पहले किसी की नज़र पड़े, कोई झपट ले, जल्दी से एक साइड हो जाओ, सेफ जगह पे लेके चलो इसको। लेकिन किस्मत खराब, इस बिल्ली को रास्ते में दिख गया एक कुत्ता, वो भी बिल्ली, सिर्फ बिल्ली तो ठीक है, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा कुत्ता से देखा नहीं गया, कुत्ता उसके पीछे, बिल्ली के पीछे। वो बिल्ली जो थी, उसके पास दो चॉइस था कि यार या तो मांस का टुकड़ा छोड़ के जान बचाओ, या इस मांस के टुकड़े में जान की भी बाजी लगाओ। तो वो टुकड़ा क्या करती है, बिल्ली वहीं पे छोड़ देती है उस मांस के टुकड़े को और बिल्ली वहां से भाग जाती है। तो मांस का टुकड़ा जो प्योर मेटल था, वो अपने को मिल गया। सेम चीज यहां पे हो रहा है, देखो यहां पे पहले टाइटेनियम था और इम्प्योरिटीज था, मैंने इसमें क्या करा, आयोडीन यहां पे आई बिल्ली बनकर और मुंह में उठाई, इस यहां से इम्प्योरिटीज से इसको हटाई, किसको, इस टाइटेनियम को, और निकाल के और TiI4 के फॉर्म में यहां पे बिल्ली और टाइटेनियम आपस में मिलके वहां से मस्त बाहर निकले। इसको मैंने क्या करा, इस कंटेनर में कंडेंस कर लिया, जहां पे क्या पड़ा हुआ है, TiI4 पड़ा हुआ है। इस TiI4 को वापस मैंने क्या करा, गर्म करना शुरू किया। तो TiI4 वोलाटाइल नेचर का होता है, इसका देखो ना बॉइलिंग पॉइंट कितना कम है, 230 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज हो जाता है। वोलाटाइल होने की वजह से गैसियस फॉर्म में यहां पे बन के, जैसे TiI जो था इम्प्योरिटीज था, और इसमें मैंने क्या करा था, आयोडीन डाला था और 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा था, तो ये टाइटेनियम जो है इस आयोडीन को लेके वहां से उड़ जाता है, क्योंकि TiI4 पहले तो TiI4 बनाता है जो किस नेचर का है, वेपराइज हो जाता है इजिली। उस वेपर को मैंने क्या करा, इस कंटेनर में कंडेंस कर लिया, किसको, TiI4। अब इसको गर्म करना शुरू करा, तो आयोडीन यहां से भाग गई और टाइटेनियम यहीं पे पड़ा रहा, किस फॉर्म में, बिल्कुल प्योर फॉर्म में। तो प्योर टाइटेनियम यहां से अपने को मिल गया। जिरकोनियम के लिए एग्जैक्टली सेम रिएक्शन लिखेंगे, जहां जहां टाइटेनियम है वहां वहां जिरकोनियम लिख लो, यहां टाइटेनियम की जगह पे जिरकोनियम लिख लो, यहां पे क्या बन जाएगा, ZrI4। वापस इसको गर्म करेंगे तो ZR अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा, प्योर फॉर्म में अपने को मिल गया। इम्प्योरिटीज जो था वो इसी कंटेनर में पड़ा रहा। होप कि आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। दूसरा मेथड जो होता है इसका, जो दूसरा मेथड होता है, दैट इज मोंड्स प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट।
मोंड्स प्रोसेस, वेपर फेज रिफाइनिंग इसका भी करते हैं, और ये यूज करा जाता है निकल के लिए, यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। निकल के प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करा जाता है, इसको यूज करा जाता है। क्या करते हैं, वापस से वही बात कि निकल जो था वो अपने इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट था इस कंटेनर में। यहाँ पे कौन था, निकल और इम्प्योरिटीज, निकल और इम्प्योरिटीज। मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इस कार्बन मोनोऑक्साइड की खासियत क्या है, इसको गर्म करना शुरू करता हूँ 250 डिग्री सेल्सियस। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म NiCO4। एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जो नेचर में कैसा होता है, वोलाटाइल नेचर का होता है, वहाँ से उड़ गया। तो यहाँ से क्यों उड़ा NiCO का 4, क्योंकि ये वोलाटाइल नेचर का है, इजिली क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। इसके वेपर को मैंने क्या करा, दूसरे कंटेनर में कंडेंस कर लिया। इस कंटेनर में कौन पड़ा हुआ है अब, तो बोलोगे इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ NiCO का 4 पड़ा हुआ है। वापस मैं क्या करता हूँ, गर्म करना शुरू करता हूँ 1400 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जिसपे क्या होता है, निकल अलग हो जाता है और CO जो है वो वहाँ से बन के उड़ जाती है। तो मुझे निकल किस फॉर्म में मिल जाता है, प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो इस NiCO4 को हम क्या करना पड़ेगा, अपने को वापस गर्म करना पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ, सेम प्रोसेस एग्जैक्टली सेम। तो इस Ni, ये टेम्परेचर याद रखना है, CO के 4 को वापस क्या करा जाता है, 1400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा जाता है, जिसमें निकल अलग और CO अलग। तो ये निकल जो है वो प्योर फॉर्म में अपने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हम देख रहे हैं, ये कौन सा नंबर था, शायद नंबर देख लेते हैं एक बार, ये फिफ्थ नंबर था, सिक्स नंबर में देख रहे हैं, बेसीमराइजेशन या पडलिंग प्रोसेस। कहाँ लिखूं, एक सेकंड, देख रहे हैं हम नेक्स्ट सिक्स में, बेसीमराइजेशन इसी को बोलते हैं पडलिंग प्रोसेस। ये यूज करा जाता है, इट इज used for the purification of pig iron के purification में काम आता है, to obtain a steel बनाने के लिए pig iron से जो impurities है उसको remove करना पड़ता है। इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ पिग आयरन टू ऑप्टेन स्टील। क्या करते हैं, पिग आयरन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात कि यार ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या कर रहे हैं, आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, Fe2O3 का रिडक्शन करके, और आयरन वहां से निकल रहा है। तो जो ब्लास्ट फर्नेस से रिडक्शन के जस्ट बाद, हेमेटाइट के रिडक्शन के जस्ट बाद जो आयरन निकल के आता है ना ब्लास्ट फर्नेस से, उस सबसे रो फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है, जस्ट ब्लास्ट फर्नेस से जस्ट निकल के आने वाला आयरन जो होता है, दैट आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन। तो पिग आयरन इज द मोस्ट, क्या बोल सकते हैं, रो फॉर्म आयरन, जो बेसिक रो फॉर्म होता है आयरन का वो होता है। जस्ट फर्नेस से निकलने के बाद जो आयरन मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, पिग आयरन। और इस पिग आयरन में प्रेजेंट इंप्योरिटीज को हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो लिखेंगे मोल्टेन पिग आयरन
इज प्लेस्ड इन बेसिमर कन्वर्टर, बेसिमर कन्वर्टर। एक बेसिमर कन्वर्टर एक फर्नेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मोल्टन फॉर्म ऑफ पिग आयरन को, पिग आयरन का पिघला हुआ फॉर्म उसमें प्लेस कर रहे हैं। मोल्टन पिग आयरन इज प्लेस्ड इन बेसिमर कन्वर्टर, कन्वर्टर एंड O2 इज एंड O2 गैस इज पास्ड थ्रू इट। उससे क्या करते हैं, O2 गैस को पास करवाते हैं। पहले क्या करा कि आयरन के ओर को पिघलाया, किसमें, उस बेसिमर कन्वर्टर में, और उस पिघले हुए आयरन से क्या करा, ऑक्सीजन गैस पास करवाया। तो क्या होता है, एक काम और करते हैं, बेसिमर कन्वर्टर हैज लाइनिंग ऑफ, बेसिमर कन्वर्टर हैज, आपके दिख रहा होगा, यस, बेसिमर कन्वर्टर हैज लाइनिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 इन देयर इंटरनल वॉल, क्या करते हैं कि जो बेसिमर कन्वर्टर है ना उसके इंटरनल वॉल पे लेप लगा देते हैं ना, फर्नेस का जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना उसके बाउंड्री पे, उसके सरफेस पे लेप लगा देते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्साइड का या तो SiO2 का। वो फर्नेस ऐसा पड़ा हुआ है गोल सा, उस फर्नेस का जो इंटरनल वाला, जो अंदर वाला जो दीवार होता है ना उसमें इसे पहुँचाना नहीं करते हैं क्या, जो वाइट वॉश करते हैं कभी कभी, आजकल तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से करने लग गए। एक यहाँ से 10 साल पहले है ना, दीवार को चमकाना होता था तो हम एक जैसे झाड़ू मारते हैं ना वैसा एक होता था ब्रश टाइप का, और उसका दीवार पे ऐसे वाइट वॉश कर देते कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसके इंटरनल वॉल पे क्या है, लाइनिंग करा हुआ है किसका, या तो कैल्शियम, दोनों का, कैल्शियम ऑक्साइड का भी और SiO2 का भी, दो काम कर रहा हूँ। क्या करा पहले, उस पिघले हुए आयरन को, जो रो फॉर्म ऑफ आयरन था, दैट इज पिग आयरन जो था, उसको मैंने क्या करा, उसको मैंने बेसिमर कन्वर्टर में प्लेस करा। उस बेसिमर कन्वर्टर में की खासियत क्या होती है कि उसके इंटरनल वॉल पे क्या पड़ा होता है, SiO2 या कैल्शियम ऑक्साइड का एक लाइनिंग करा हुआ होता है, एक लेप लगाया हुआ होता है। इतना करने के बाद उस पिघले हुए पिग आयरन से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस भी पास करवाते हैं। तो उस ऑक्सीजन गैस के पास करवाने से क्या होता है, जो वोलाटाइल इंप्योरिटीज मतलब वैसे इंप्योरिटीज जो इजिली क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, तो वोलाटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। तो उस पिग आयरन में सपोज यदि फॉस्फोरस का इंप्योरिटीज है तो वो क्या करेगा, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P4O10 बना लेगा और वहां से वोलाटाइल बनके मतलब वेपराइज होके और उस कंटेनर से बाहर आ जाएगा। अरे सल्फर का इम्प्योरिटीज है तो वो भी O2 से रिएक्ट करके क्या कर लेगा, SO2 बना के वहां से बाहर आ जाएगा। अरे उसमें मान लो कि कैल्शियम की इम्प्योरिटीज है तो वो भी O2 से रिएक्ट करके क्या कर लेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बना लेगा। अरे इसमें मैंगनीज की इम्प्योरिटीज पड़ी हुई है तो वो मैंगनीज से रिएक्ट करके क्या कर लेगा, Mn2O3 बना लेगा। या फिर इसमें सिलिका की इम्प्योरिटीज पड़ी हुई है तो वो सिलिका से ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या कर लेगा, SiO2 बना लेगा। तो पता है कि जो SiO2 है वो किस तरह की इम्प्योरिटीज है, तो बोलोगे एसिडिक इम्प्योरिटीज। किस तरह की इम्प्योरिटीज है, एसिडिक इम्प्योरिटीज है, कौन, ये SiO2। जबकि Mn2O3 जो है वो किस तरह का इम्प्योरिटीज होगा, ये दिस इज बेसिक इम्प्योरिटीज। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड भी किस तरह का इम्प्योरिटीज होगा, बेसिक इम्प्योरिटीज। तो हम क्या करते हैं, इसका क्या हुआ, देखो ये बेसिक इम्प्योरिटीज है तो इसका एसिडिक फ्लक्स से क्या कर दो, रिएक्शन करवा दो ताकि स्लेग बन के वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। तो ये तो अपने आप बाहर आ गया, ये वेपराइज होके अपने आप उस इम्प्योर पिग आयरन से क्या हो गए, बाहर आ गए। और जो मेटल या नॉन मेटल पड़े हुए थे वो अपने कोरस्पोंडिंग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए, ताकि
उनके इंटरनल वॉल पे जो लाइनिंग करा गया है फ्लक्स का, उससे ये रिएक्ट करके स्लैग बना के सरफेस पे आ जाए, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये जो SiO2 जो बना है ना, ये जो SiO2 जो बना था, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम की इम्प्योरिटीज नहीं होती है, तो ये रिएक्शन अपन नहीं लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। कैल्शियम की इम्प्योरिटीज पिग आयरन में नहीं पाया जाता है, इसको मैं काट रहा हूँ। तो SiO2 जो था ना, वो ये किस तरह के इम्प्योरिटीज थे, एसिडिक। तो इस एसिडिक इम्प्योरिटीज का किससे रिएक्शन करवाएंगे, वो जो अंदर जो लाइनिंग करा हुआ है ना कैल्शियम ऑक्साइड का, उससे रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CaSiO3 नाम का स्लैग बना लेगा। CaSiO3 नाम का स्लैग बना लेगा, जो अपने आप हल्का होने की वजह से उस फर्नेस के सरफेस पे एक आ जाएगा अपने आप, है ना, जिसको बिजली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। दिस इज बेसिक फ्लक्स। सिमिलरली मैंगनीज का जो ऑक्साइड था, Mn2O3 बोल लो या MnO भी बोल लो, दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ये रिएक्ट करेगा किससे, तो वहाँ पे जो SiO2 जो बना था, जिसको मैंने लैपिंग करवाया था, किस ये किसके जैसा काम कर रहा है, ये एज ए एसिडिक फ्लक्स काम कर रहा है। और Mn2O3 जो था वो इम्प्योरिटीज था किस तरह का, बेसिक। तो ये भी आपस में रिएक्ट करके, फ्लक्स और इम्प्योरिटीज रिएक्ट करके स्लैग बनाते हैं MnSiO3 नाम का। ये एक स्लैग की खासियत क्या होती है कि अपने आप ये सरफेस पे हल्का होने की वजह से आ जाता है और उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, वहां से रिमूव कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिमेराइजेशन या पर्डलिंग प्रोसेस, जो मेनली यूज करा जाता है किसके लिए, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन में यदि किसी वोलाटाइल, कोई वोलाटाइल इम्प्योरिटीज पड़ा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन से जो अपन ने पास करवाया है, उस मोल्टन फॉर्म ऑफ पिग आयरन में जो मैंने ऑक्सीजन पास करवाया है, उससे रिएक्ट करके, उससे रिएक्ट करके क्या कर लेगा, वो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को हटा देगा। साथ साथ जो उसके इंटरनल वॉल पे जो लाइनिंग करा गया है फ्लक्स का, वो क्या करेगा, आपके एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटीज से रिएक्ट करके और स्लैग बना के वहां से रिमूव कर देगा। तो एक चीज मैं आपको बताऊं काम का, एक और टर्म यूज करा जाता है सेम तरह के प्रोसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड क्यूपलेशन। क्यूपलेशन एग्जैक्टली शायद डबल पी होता है, पता नहीं, देख लेना। क्यूपलेशन, और ये यूज करा जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, सेम क्यूपलेशन तब बोलेंगे, सेम प्रोसेस जब कॉपर, सिल्वर या गोल्ड के लिए करते हैं तो उसको क्यूपलेशन बोला जाता है। जबकि जब आयरन के लिए, पिग आयरन के लिए जब यूज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिमेराइजेशन बोलते हैं या पर्डलिंग प्रोसेस बोलते हैं। दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, बस नाम अलग है, क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए यूज कर रहे हैं। क्यूपलेशन तब बोलेंगे, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, क्या करो, कॉपर को पिघलाओ या सिल्वर को पिघलाओ या गोल्ड को पिघलाओ, या पिघले हुए सिल्वर, गोल्ड या कॉपर को उस बेसिमर कन्वर्टर में लेके आओ, उसके थ्रू ऑक्सीजन गैस पास करवाओ। वो ऑक्सीजन गैस जो होगा वो इनमें प्रेजेंट वोलाटाइल इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना के वहां से रिमूव कर दे, और बाकी जो उसमें एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटीज हैं उनको करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगा, जो क्या करेगा, तो आपके फर्नेस के या उस बेसिमर कन्वर्टर के इंटरनल वॉल पे जो आपने फ्लक्स का लेपिंग करा है, लाइनिंग करा है, उससे ये जो एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटीज थे वो रिएक्ट करके स्लैग बना के वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। यदि आप कई बार क्यूपलेशन और बेसिमेराइजेशन में ना क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूज करता है, मींस किसी राइटर के लिए क्यूपलेशन और बेसिमेराइजेशन सेम प्रोसेस है, किसी के लिए डिफरेंट है, तो हम ध्यान रखेंगे कि क्यूपलेशन और बेसिमेराइजेशन सेम प्रोसेस होता है, बस किसके लिए यूज करते हैं उससे फर्क पड़ता है। एक बात और कि अब क्या हुआ कि यार आयरन के रो जो आपके पास पिग आयरन था, उस पिग आयरन मोल्टन फॉर्म में आपने रखा था और उससे आपने ऑक्सीजन गैस पास करवाया था। अरे इस आयरन से ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए, देखना जरा, इस आयरन से यदि आपने बोला ना कि फास्फोरस से रिएक्ट कर गया तो P4O10 बना के उड़ गया, सल्फर से रिएक्ट कर गया तो SO2 बना के उड़ गया, तो ये आयरन भी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है।
ये जो आयरन है वो भी तो इस आयरन, ये जो आयरन है वो भी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेगा, या आयरन के ऑक्साइड्स बना लेंगे, तो मेरा करे कराए पे पानी फिर जाएगा ना। कितना मुश्किल से तो इस आयरन को रिड्यूस करा था, इस ऑक्सीजन से क्या होगा, वापस ये ऑक्साइड बना देगा, सारे काम जो अभी रिड्यूस करके जो आयरन के फॉर्म में लेके आया था वो वापस इसमें कन्वर्ट हो गया, तो दिक्कत है ना। तो क्या बोलते हैं कि क्यूपलेशन या बेसिमराइजेशन प्रोसेस उन मेटल्स के लिए यूज करा जाता है, क्यूपलेशन इज यूज्ड फॉर द मेटल्स, यूज्ड फॉर द मेटल्स हैविंग लो एफिनिटी, लो एफिनिटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि हम तो क्या चाहेंगे, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, लो एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, लो एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्या बोल रहे कि उन्हीं मेटल्स के लिए सुटेबल है जिनका ऑक्सीजन के टुवर्ड्स जो अफेक्शन होता है, एफिनिटी होता है, वो कम होना चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इम्प्योरिटी से रिएक्ट करें, मेटल से रिएक्ट कर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, करे कराए पे पानी फिर जाएगा ना। तो इसीलिए आपको पता है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं ना एक्टिविटी सीरीज में, दे आर इनर्ट मेटल्स। सो इम्प्योरिटीज की जो टेंडेंसी होगी ना उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की, वो कई गुना ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू किससे, इस मेटल से। एक बात और कि ऑक्सीजन को बहुत लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई करा जाता है, बहुत एक्सेस अमाउंट में सप्लाई नहीं किया जाता, तो ऑब्वियसली जो इम्प्योरिटीज होती है उनका ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा कि बहुत कम अमाउंट में, लेस स्ट्रेस अमाउंट में यदि आप ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो चांसेस आर कि इम्प्योरिटीज ही उसी को क्या कर ले, कैच कर ले और मेटल्स तक तो बात ही ना पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँच ही ना पाए, क्योंकि बहुत लिमिटिंग अमाउंट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्यूपलेशन प्रोसेस उसी के लिए सुटेबल होगा, उस मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए सुटेबल होगा जिसका एफिनिटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड बेसिमराइजेशन या पर्लिंग या क्यूपलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, ये कौन सा पॉइंट था, कौन सा नंबर था, सिक्स, सेवन नंबर पर देख रहे हैं, पार्किज प्रोसेस। पार्किज प्रोसेस, दिस इज डीसिल्वराइजेशन, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। पीबी में सिल्वर की इंप्यूरिटीज है, अब सिल्वर को इंप्यूरिटीज बोल रहा है, आप समझ सकते हो टेक्निकली सिल्वर को इंप्यूरिटीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिल्वर का अमाउंट कम है, टेक्निकली तो ये इंप्यूरिटीज है, लेकिन एक्चुअल में आपको भी पता है कि ध्यान तो किस पे है, सिल्वर को निकालने पे है, लेड से उतना, लेड के कंपैरिजन में सिल्वर बहुत महंगा है ना, तो यदि इसमें कुछ परसेंटेज में सिल्वर पड़ा हुआ है लेड में, तो हम चाहेंगे कि यार उसको किसी तरह से निकालें, तो वो इम्प्यूरिटीज नहीं है, मेन फोकस तो सिल्वर पे ही है ना, मेन फोकस वो तो सिल्वर पे है, ये तो कहने के लिए इम्प्यूरिटीज है, टेक्निकली हम इसको इम्प्यूरिटीज बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए मेन, बात समझ रहे हो, इनडायरेक्टली नज़र इस पर है, ठीक है। तो इस पीबी से सिल्वर को यदि आपको रिमूव करना है तो हम पार्किज प्रोसेस यूज करते हैं, पीबी से सिल्वर को रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, किसको मोल्टन मतलब पहले हम इसको पिघलाते हैं, किसको, पीबी और सिल्वर को, और इसमें ऐड करते हैं 1% जिंक, इसमें ऐड करा जाता है 1% जिंक, ओनली 1%, किसमें, इस पीबी प्लस एजी के मिक्सर में 1% ऑफ दिस मास। तो क्या होता है कि सिल्वर हैज ऑलमोस्ट, सिल्वर हैज वेरी हाई सॉल्युबिलिटी इन जिंक एज कंपेयर टू
इन लेड। लेड के कंपैरिजन में क्या होता है कि इस सिल्वर की जिंक में घुलने की टेंडेंसी क्या होती है, मच 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 मोर ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे इसमें इस मोल्टेन पीबी और एजी के मिक्सर में जैसे हम जिंक ऐड करते हैं ना, तो जिंक के साथ सिल्वर घुल जाता है और ये जिंक अमलगम, सिल्वर जिंक का अमलगम फॉर्म कर लेता है। दे फॉर्म जिंक सिल्वर एलॉय एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब क्या हुआ कि इस कंटेनर में पहले क्या था, पीबी था और सिल्वर था, मोल्टन फॉर्म में रखा हुआ था। मैंने क्या करा कि इसमें ऐड करा जिंक, तो जिंक जो है वो इस सिल्वर के साथ क्या कर लिया, एलॉय बना लिया, और बनाने के बाद कहाँ पे आ गया, इस सरफेस पे आ गया। तो सरफेस पे क्या है, जिंक और सिल्वर है, सिल्वर का एलॉय है, ये बोल लो या अमलगम बोल सकते हैं, क्योंकि बॉटम पे क्या पड़ा हुआ है, पीबी। तो इसको इजीली आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो प्योर फॉर्म में नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ पीबी बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड। आज इतने रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।